देर इज़ एग्जाम्पल नंबर इलेवन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हु दिस दिस दैट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो यदि हम यदि इसको ग्राफ में ड्रा करना चाहते हैं तो कर लो बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है समझाने के लिए बता रहा हूँ सपोज इन तीनों के नाम ए बी सी दे दिए तो ए पॉइंट ये हो गया आपका बी पॉइंट ये हो गया सी हो गया तीनों को जोड़ दो गए एक ट्राइंगल बन गया या आप एक सिंपल सा रफ स्केच बना सकते थे कोई जरूरी नहीं ऐसा बनाओ सिंपल सा एक स्केच बना लेते हैं ठीक है ओके अब हमको इसका एरिया पता लगाना है एंड वर्टिस दिए हुए एरिया पता लगाना है तो फार्मूला क्या होता है इट्स वेरी ईजी द एरिया ऑफ द ट्राएंगल फॉर्म द बाई वर्टिस ए बी सी बाई यूजिंग द फार्मूला अबाव विच फार्मूला विच वी हैव यूज द एरिया ऑफ द ट्राएंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इंटू आई एक्स वन मल्टीप्लाई वाई y2 टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री बैकेट में वाई वन माइनस किसी एक को किसी एक को x1 y1 मान लो किसी एक को x2 y2 किसी एक को x3 पर ये याद रखना जिसको आपने x1 y1 माना वो हमेशा मान लो वही रहे तो लिखते समय गलती नहीं कर देना यदि एक एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 वाई वन तो एक ऑर्डिनेट ही है फिर बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू लिखे तो एक्स टू वाई टू सी हमेशा हमने आप मान लो एक्स थ्री वाई थ्री ले रहा है तो एक्स थ्री वाई थ्री लिखना है तो लेट्स पुट ऑल दो वैल्यूज सो वट यू विल गेट दिस एंड वेन यू सॉ लेट यू गेट फदर दिस और यू फर्दर सॉ लेट यू विल गेट एरिया ऑफ द ट्राएंगल इज ट्वेंटी फोर बिकॉज इट इज़ एन एरिया यहाँ पे इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा है तो यू कैन राइट दैट दैट मच यूनिट्स सो द एरिया ऑफ द ट्राएंगल इज़ ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट्स यू हैव टू राइट स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज इट इज अ एरिया नॉट डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस सिंगल यूनिट होती है डबल यूनिट लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आ रहा है तो इस यूनिट क्या होगा एरिया के हमेशा स्क्वायर इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यदि ये सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर किलोमीटर में होती है किलोमीटर स्क्वायर तो बिकॉज यू डोंट नो द यूनिट यू आर राइटिंग इट इज ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट का स्क्वायर क्लियर